हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 21st मार्च टू 31st मार्च। लियो के लिए लव मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए। लियो, सोचना बहुत हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन आपने लेना है या ले रहे हैं, या पुराना लिया हुआ कोई डिसीजन पे सोच रहे हैं कि ये मैंने ठीक करा नहीं करा, मुझे और कुछ करना चाहिए था, मुझे इस रिलेशनशिप से एग्जिट करना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए था। बट कॉन्टेम्पलेशन एंड सोचने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। कोई डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं, उसको भी री इवेलुएट कर रहे हैं। तो कॉन्टेम्पलेशन एंड री इवेलुएशन एंड थिंकिंग वेदर यू डिड द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग और वेदर यू शुड हैव डन इट और नॉट, तो वैसी कोई वाइब आ रही है मुझे। इंट्यूशन काफी आपकी ऑन पॉइंट हो रही है, काफी काम है, आप काफी कंपोज्ड हैं। कोई चीज आपको पता लग रही है अपने रिलेशनशिप या फिर लव कनेक्शन, जो भी आप जो पार्टनर है आपका, जिस भी सिचुएशन में है आप, उस चीज को लेकर आपको कोई चीज पता लग रही है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है एंड आपको कुछ एक अंदर से एक हिंट मिलता है, एक फीलिंग आती है, एक मैसेज मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। एंड कुछ पता तो लग रहा है आपको, बट यू आर नॉट रिएक्टिंग। आप ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्सा हो रहे हैं या एकदम से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये क्या हो गया। आप बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड हैं। आप ये इमेजरी देखिए, जैसे हाथ में कप पकड़ के एंड लेग्स साइड में करके जो बॉडी पॉस्चर है, कितना काम कंपोज्ड है। ये ठीक है, लाइक ये मुझे पता था पहले से ही कि ऐसा होने वाला है, सो चिल, वैसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। काफी काम कंपोज्ड, ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं एंड काफी एम्पथेटिक हो रहे हैं, कंपैशनेट हो रहे हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में। दूसरे की प्रॉब्लम समझना, कोई चीज आपको पता लगी है तो आप उसके पीछे का जो रीजन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये हुआ, मुझसे झूठ बोला गया या मुझे नहीं बताया गया और ऐसी चीज हुई, बट इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, ये क्यों हुआ। तो आप अपने पार्टनर, आई थिंक आपके पार्टनर ने कोई चीज छुपाई है आपसे और आपको पता लग गई है, आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऑल्सो मुझे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स काफी दिख रहे हैं। आपके पास पैसा आ रहा है या फिर फुटवेयर या गिफ्ट्स के थ्रू या फिर खुद खरीद रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट काफी बन रहे हैं एंड आप अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हुए मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स भी एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा इंसान कोई आपको ये चीजें दिला रहा है, परफ्यूम्स हो गया, फुटवेयर, ज्वेलरी, कुछ हो गया, ये आई थिंक आप खुद अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स लियो। एरीज की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज, वाइब्स टुवर्ड्स लियो। कार्मिक कनेक्शन आपका एंड एरीज का, कर्मा अच्छे करे होंगे, दैट इज वाई एरीज आपके साथ हैं या आप एरीज के साथ हैं। टॉरस की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस टुवर्ड्स लियो। आई थिंक टॉरस एंड लियो, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आगे जो आएगा। बट अभी तक की जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी, पुराने जो रिलेशनशिप्स थे जो अच्छे नहीं गए, आई थिंक वो सारी रिहर्सल थी। रिहर्सल किस लिए, ये जो फाइनल रिलेशनशिप आपका आने वाला है टॉरस एंड लियो का, तो उस फाइनल एक्ट से पहले एक रिहर्सल होती है ना, ताकि आप फाइनल एक्ट में कोई गड़बड़ ना करो, बस वही। तो ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे एंड उस वजह से पुरानी जो चीजें थी, जो डंपिंग, बिट्रेयल, चीटिंग, झूठ सच, वो सारी एक तैयारी चल रही थी। जेमिनाई की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स लियो। अगर जेमिनाई के पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं तब भी वो आपको चूज कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स अगर आपके अगेंस्ट हैं तब भी वो आपको चूज कर रहे हैं, उनके पास अगर कोई और ऑप्शंस हैं तो भी वो आपको ही चूज कर रहे हैं, बट जेमिनाई आपको चूज कर रहे हैं लियो। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैसेज है। कैंसर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज टुवर्ड्स लियो। कुछ झूठ सच चल रहा है, कैंसर आपको सच नहीं बता रहे हैं और जो पिक्चर वो दिखा रहे हैं आपको, जो भी वो आपको बोल रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना विजडम यूज करिए, वाइजली बिहेव करिए।
लियो की क्या इंटेंशंस एनर्जीज टुवर्ड्स लियो। लव मैग्नेट, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत सॉलिड अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू आर पुलिंग देम टुवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लियो, लियो एंड लियो का रिलेशनशिप है तो इक्वल अट्रैक्शन हो सकती है, इक्वल मैग्नेटिक पुल हो सकता है। वर्गो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स लियो। आई थिंक वर्गो को लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो एंड रिश्ता निभाने के लिए आगे जो एक रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, जो क्वालिटीज जरूरी होती हैं एज अ कंपेनियन एज अ पार्टनर, वो आप में सारी चीजें हैं। यू वर बॉर्न विद इट, ऐसा नहीं है कि आपको सीखने की जरूरत है, वो स्किल्स वो सारी चीजें आप में हैं, तो आप बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर टाइप हो, तो उनको ये लगता है वर्गो को। लीब्रा की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो। फॉरगिवनेस मांग रहे हैं लीब्रा आपसे, वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो एंड चीजें वापस यू नो लाइक स्टार्ट करो दोबारा से, स्क्रैच से, तो पुरानी चीजें भूल जाओ बेसिकली। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं टुवर्ड्स लियो। अगर आपका कोई एक्स स्कॉर्पियो था, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा ये मैसेज, एंड इफ यू थिंक कि यू नो लाइक मे बी दे हैव मूव्ड ऑन एंड एवरीथिंग, नो दे हैवंट। सो इफ यू वॉन्ट टू लाइक गिव इट अनदर चांस, आपको दोबारा बात करनी है, दोबारा स्टार्ट करना है रिलेशनशिप यू यू में, प्लीज गो अहेड, बिकॉज ये इंसान मूव ऑन नहीं करे हैं, ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं। सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज इंटेंशंस वाइब्स। यहाँ पे ना इक्वल रेसिप्रोकेशन दिख रहा है मुझे, जैसा प्यार आप देंगे, जो वाइब्स एनर्जीज आप देंगे वही आपको वापस मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप प्यार कर रहे हैं या आप एफर्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप में ना आपको वापस कुछ ना मिले। जो भी एनर्जीज इंटेंशंस, इंटेंशंस नहीं एनर्जीज या वाइब्स आप देंगे वो ही चीज आपको वापस मिलेगी, व्हाट यू गिव विल कम बैक। कैप्रिकॉर्न की क्या इंटेंशंस एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो। आई थिंक ये हा है हमारा मैसेज। कैप्रिकॉर्न एंड लियो का रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेंड वाला होने वाला है, थोड़ा कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होगा आप लोगों में, एंड कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा कोई फेक कर रहा है या कोई लेयरिंग है, कोई परत चढ़ी हुई है, नहीं, बहुत कंफर्टेबल होंगे, बहुत सेफ फील करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे दोस्तों में होता है ना कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, तो वैसी वाली चीज दिख रही है मुझे कैप्रिकॉर्न के साथ। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस वाइब्स टुवर्ड्स लियो। फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, बट थोड़ी शॉर्ट फॉर्म फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, शॉर्ट टर्म दिख रही है। हुकअप हो सकता है, वन नाइट स्टैंड हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो डेफिनेटली नहीं दिख रही है, तो थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक्वेरियस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। पाइसिस की क्या एनर्जीज इंटेंशंस फीलिंग्स टुवर्ड्स। आई थिंक पाइसिस के पास ऑप्शंस हैं, बट उन ऑप्शंस में से सबसे मीनिंगफुल उनको आप लगते हैं। मे बी आपके एंड पाइसिस के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत मीनिंगफुल है, एंड दैट इज वाई उनको आप बहुत पसंद हैं, एंड वो आपको चूज कर रहे हैं बाकी लोगों को छोड़कर, बाकी ऑप्शंस में से बेसिकली। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।